नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। जिले में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के लगभग 2 दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पिछले दिनों डेंगू से एक युवक की मौत हो गई। मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें से 15 बेडों पर मरीज भर्ती है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर और बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं सदर अस्पताल में 15 बेड रिजर्व किया गया है। JLNMCH अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व हैं। जरूरत पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और ब्लड और प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में हैं। वहीं नगर निगम द्वारा फॉगिंग नहीं कराए जाने से नगर विधायक अर्जुन शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि डेंगू फैला हुआ है, मौतें हो रही है, लेकिन नगर आयुक्त सुस्त है। शहर में फॉगिंग नहीं कराई जा रही है, मौत होती है, इसका जिम्मेदार नगर आयुक्त होंगे। इसके संदर्भ में मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नगर आयुक्त पर कार्रवाई की मांग करूंगा। डेंगू को लेकर डेंगू का अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड अभी तत्काल हम लोग का फंक्शनल है। जरूरत पड़ेगी तो बेड की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। टेस्ट का पूरा इंतजाम है, ब्लड और प्लेटलेट का भी पूरा इंतजाम है। बिल्कुल, यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है। पटना में तो मैंने देखा कि फॉगिंग अगल बगल हो रहा है, मैंने देखा है आंखों से, लेकिन भागलपुर में जो यहाँ नगर निगम है पूरा सिस्टम कोलैप्स है। यहाँ जो नगर आयुक्त है लगता है कोई काम पे उनको ध्यान नहीं है, कोई फॉगिंग नहीं, लोग की मौत हो रही है। अरे ये मच्छर से डेंगू आया, डेंगू से मौतें हो रही है, आखिर आप छिड़काव क्यों नहीं कर रहे जबकि सरकार पैसे दे रही है? इसलिए इस पर तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूँ, इस पर जो भी छिड़काव न करे और किसी की भी जान जाए, इसका दोषी नगर आयुक्त और नगर निगम होगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।